कमलनाथ सरकार बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई है और सरकार के वादे और वचन पत्र याद करें तो उसमें लिखा गया था कि हम और हमारी सरकार गरीबों के हित की बात हमेशा करेगी और कभी भी हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को परेशान न होने देगी। लेकिन एक मामला नसरुल्लागंज का है, यहाँ पर भूमाफिया अभियान के तहत एक गरीब का आशियाना तोड़ा गया और जिस जमीन पर 50 सालों से वो अपनी फसल बोकर अपने गरीब परिवार को चला रहा था, उसी पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर और ट्रैक्टर चलाकर उसकी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। लेकिन गरीब का आरोप है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया गया। कमलनाथ सरकार नियतों के ऊपर ही अपना रोब क्यों दिखाई देती है। उस गरीब ने कहा कि बाकी के भूमि अफवाह के ऊपर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कार्रवाई करी भी तो उसकी फसल खेत में जो की त्यो क्यों खड़ी हुई है, उनकी फसलों को ट्रैक्टर से क्यों नहीं उजाड़ा गया और उसमें बेल क्यों नहीं चराए गए। प्रशासन ने ऐसा मजाक मेरे साथ ही क्यों। पटवारी साहब, आपका नाम? कोई नहीं बता रहा, सीमांकन सीमांकन नहीं बता रहा। जो आज आपने एसडीएम साहब को आवेदन दिया है, किस कारण और क्यों दिया है? जैसा कि अतिक्रमण हो रहा था और लगा कि अतिक्रमण की मुहिम बिल्कुल ठप पड़ चुकी है और जो गरीबों के साथ में अन्याय हुआ है वो खेत पकड़ दिया गया है। अगर मान लो जैसे पार्थीपुरा में समय दिया गया था, ऐसा अगर मान लो इनको भी समय दिया जाता तो वो भी अपनी फसल काटने के बाद में वो जगह को शायद छोड़ देते, जो भी मतलब प्रशासन का जो भी कार्रवाई करना था वो फसल लेने के बाद में कर सकते थे। इसके बाद में जेपी मार्केट में बोला गया था कि 12-8 की दुकान और इसके बाद में अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। 8 दिन का समय दिया गया था, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। इसके बाद में शास्त्री कॉलोनी वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक पूरी अतिक्रमण की चपेट में है। जहाँ देखो वहाँ पर पूरा अतिक्रमण ही अतिक्रमण है, कोई भी सुध लेने की फिक्र में नहीं है। यही चाहता हर आदमी, बीच में समझौता हो जाता है, जहाँ चाहे वहाँ पर समझौता हो जाता है। इसी के लिए, इसी के विषय में मैंने आवेदन दिया है एसडीएम महोदय को। उन्होंने मेरे को बात भी बताई, इसके बाद में भी मैंने बोल दिया एक सप्ताह का समय मांगा है, एक सप्ताह में अगर ये मुहिम चालू नहीं होती है तो अनशन पे बैठा जाएगा और उस पर भी अगर मान लो कार्रवाई नहीं होती तो हमारा अनशन किया जाएगा। ये मेरा पटवारी का चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब से भी बोलना चाहता हूँ, प्रशासन भी, और अगर मान लो उसमें कोई भी वो दखलंदाजी होती तो पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। नगर परिषद की जो जगह है उसमें हम खंभा गाड़ कर और इस मुहिम को मजबूत किया जाएगा सभी लोगों के साथ में। आपका नाम? अवध सोनिया। आज क्या कारण जो आपने एसडीएम को ज्ञापन दिया है? एसडीएम को देने का कारण ये है कि नगर में यू अतिक्रमण हुई, गौशाला के बाजू में जो जमीन थी, मेहरा समाज महासंघ के व्यक्ति की जमीन थी, वो उस जमीन पर वो बरसों से अपनी किसानी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके माननीय एसडीएम महोदय द्वारा वहाँ अतिक्रमण के नाम पर जाकर उसको जमीन से बेदखल कर दिया गया, जिससे कि वो बड़ा परेशान है और अपने जीवन का लालन पोषण करने के लिए भी उसके पास कोई दूसरा विषय नहीं है। दूसरा, अपना किस तरीके से अपना परिवार लालन पोषण करे, ये बड़ी समस्या है उसके साथ। तो आज वहाँ उसी विषय को लेकर आज यहाँ पर मेहरा समाज महासंघ की ओर से एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे कि साहब उसके साथ ऐसा अनुचित न्याय क्यों हो रहा है। नगर में अतिक्रमण ने, बाकी जगह जेपी मार्केट में अतिक्रमण ने, नगर में पारदीपुरा में हुए अतिक्रमण ने, बाकी जगह अतिक्रमण क्यों नहीं हटा जा रहा, उसी के व्यक्ति विशेष उसी के लिए उसी के पास पहले सबसे पहले क्यों अतिक्रमण किया। ये सब भाई साहब सब सामंतवादी लोगों की चाल है, यहाँ नगर गरीब को बेदखल करने के लिए। नगर के सामंतवादी लोगों ने वहाँ जमीन को दिखाया और वहाँ पर उन लोगों को ले जाकर एसडीएम साहब को देखा, जेसीबी के माध्यम ट्रैक्टर के माध्यम से खड़ी फसल को नुकसान करा। गेहूं की उसी कम से कम 11 क्विंटल के आसपास की फसल की, गेहूं की फसल की बोनी थी, उसको भी उन्होंने पूरा नुकसान कर दिया। क्या और बाकी जगह बखरा गया? क्या बाकी जगह कहीं नहीं बखरा गया सर, उसी व्यक्ति विशेष एक ही उसी की जमीन को बखरा गया। अब क्या क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब? आश्वासन ये दिया है एसडीएम साहब ने कि नगर की अतिक्रमण की मुहिम चल रही है तो सभी जगह लगभग हम लोग सभी लगे जहाँ भी अतिक्रमण हटाएंगे। ऐसा टाल रहे साहब, बहाने बना के एसडीएम साहब बहाने बना के टाल रहे हैं। नसरुल्लागंज में कहीं अतिक्रमण नहीं हुआ, सिर्फ वो महिला समाज की धर्मशाला की जगह हटाई गई है। गरीब को, लाचार को डरा रहे हैं।